नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई डीसीपी संजय पाटिल की पहल पर नवगर इंडस्ट्री में लगी तीसरी आंख। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लगाए 17 कैमरे। आज के आधुनिक युग में बढ़ते अपराध की छानबीन में सीसीटीवी कैमरों का रोल सबसे बड़ा हो चुका है। जिस किसी क्षेत्र में कोई अपराध की घटना घटित होती है, उस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे ही खोजता है। आजकल शहर में नागरिकों की सुरक्षा है तो सीसीटीवी कैमरे को बिठाए जाने पुलिस प्रशासन हर तरह से नागरिकों को जागरूक करने की भरसक कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में मीरा भाईंदर वसई विरार जोन 2 के वसई पुलिस उपायुक्त संजय पाटिल, जो कि खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके होने के नाते बखूबी सीसीटीवी कैमरे के फायदों से वाकिफ है, इसलिए शहर में सीसीटीवी का जाल बिछाने के लिए कड़ी मेहनत ले रहे हैं। और इसका नतीजा यह है कि वसई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से बातचीत करके 17 कैमरे नवगर इंडस्ट्रियल परिसर में लगवाए, जिसका उद्घाटन संजय पाटिल के हाथों आज किया गया। इस मौके पर वसई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से उनका ट्रॉफी देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने ट्रैफिक जाम के मुद्दे को उठाया, जिस पर बोलते हुए उपायुक्त ने सभी को आश्वासित किया कि जल्द ही इस मामले का समाधान निकाल लिया जाएगा। इस मौके पर मणिपुर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक भाऊ साहेब अहर, पुलिस निरीक्षक मड़के, पुलिस उप निरीक्षक महबूब तड़वी, जिन्होंने इस संकल्पना का अमली जामा पहनाने के लिए कड़ी मेहनत ली, इन सभी अधिकारियों को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वसई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अंबार डेकर, उपाध्यक्ष फ्रांसिस फर्नांडिस, सचिव प्रशांत बगल, खजींदार सुनील भंडारी आदि सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। सीसीटीवी लगाया गया है, इससे आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? 100% सीसीटीवी कैमरे से एरिया काफ़ी सुरक्षित हो गई, क्राइम डिटेक्शन के लिए ऑन टाइम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट को काफ़ी फायदा होगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम जो है वो बिकॉज ऑफ दी सीसीटीवी कैमरास पुलिस डिपार्टमेंट कैन डिटेक्ट इट वेरी क्विकली और एकदम फर्म लाइन पे वो अपने इन्वेस्टिगेशन लेके जा सकते हैं। पुलिस से सहकार कितना आपको मिलता है अभी? पुलिस ने तो हमको टेक्निकल सहकार्य किया, क्योंकि हमने जब सोचा कि ये आम जनता के लिए हम ये कैमरा इंस्टॉल करेंगे और इसका लोगों को भी फायदा होगा, तो वो हिसाब से टेक्निकलिटी के लिए हम लोग ने पुलिस डिपार्टमेंट से मदद ली कि किस जगह पे कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए, कौन से एंगल में इंस्टॉल होना चाहिए और कैसे इंस्टॉल होना चाहिए।